सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के वीडियो में स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो जो सबसे बड़ी खबर आ रही है अभी की मानदेय को लेकर, वो हम देखेंगे कि सरकार, राज्य सरकार का यह भी कहना है कि खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। तो जो टेक्नोलॉजी विभाग की योजना निकल के आई है, उस योजना के तहत अब वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपडेट करने वाला है। मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजी की चीज़ों से, जैसे कि आप लोगों को पहले आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन दिया जाता था, बाद में उनको रिचार्ज के लिए पैसे दिए जाते थे और कई राज्यों में तो ये भी नहीं मिला है। तो अब टेक्नोलॉजी विभाग की जो योजना रहेगी, उससे हम लोग क्या कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार कैसे अपडेट करेगी, उसको भी हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तो प्रदेश के साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत आधार कार्ड धारक के घर जाकर आधार कार्ड अपडेट किए जाएंगे। यहां तक कि 0 से 5 साल के बच्चों के आधार कार्ड भी बनेंगे और इसका खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। तो इसमें बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कैसे फायदा है ये भी हम देखेंगे। कि जानकारी के अनुसार घर पर आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। मतलब कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं, वो हर किसी के घर जा जाकर वहाँ पे 0 से 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनका आधार कार्ड अपडेट करेंगी। उसके जरिए वो भी जो टेक्नोलॉजी, उसको हम आगे भी देखेंगे। इन कार्यकर्ताओं को टैबलेट दिए जाएंगे, मतलब कि टैबलेट के द्वारा ही आधार कार्ड वेरिफिकेशन 0 से 5 साल के बच्चों का किया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं को टैबलेट दिए जाएंगे, मोबाइल फ़ोन की तरह होता है बड़ा सा टैबलेट, आप ये समझ लीजिएगा, आप दवाई गोली खाने वाला टैबलेट मत समझिएगा। तो जिसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट भी होगा और यहाँ तक कि आई स्कैनर की सुविधा भी होगी। मतलब आंगनबाड़ी बहनों को जो टैबलेट दिया जाएगा, टैबलेट मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए, तो उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहता है अंगूठा लगाने के लिए, आँखों को स्कैन करने के लिए आई स्कैनर की सुविधा भी उसमें होती है। यहाँ तक कि यह कहा जा रहा है कि इस कार्य के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं उनको अलग से मानदेय भी दिया जाएगा। अब इसमें आंगनबाड़ी बहनों का फायदा तभी हो सकता है जब पर व्यक्ति के हिसाब से अलग इनका रेट तय किया जाए। कि मतलब एक आदमी का या एक औरत का या एक 0 से 5 वर्ष के बीच के बालक या बालिका का आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने पे हमको इतना रुपए मिलेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तभी आंगनबाड़ी बहनों को फायदा है। अब अगर कोई सोचे कि 100-150 वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ रुपए दे के भुलवा दिया जाए बहनों के साथ, ये तो फिर इसमें घाटा हो जाएगा। तो बहनों, मानदेय को बढ़ाने का या अलग से मानदेय देने का जो राज्य सरकार ने ये तरीका अपनाया है, ये आपको कैसा लगा? क्या बहने इस धूप में इनका मानदेय तो बढ़ाया नहीं जा रहा है, धूप में हर किसी के घर जा जाके आधार वेरिफिकेशन करना इनका सही है बहनों का? इनको अभी तक टैबलेट के लिए, फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए, आई स्कैनर के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग या आधार कार्ड को अपडेट करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो इसमें जो भी आपके मत हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहनों, मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।